ਕਲੀਅਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਿਲੋ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਿਲੋ ਕਿਸੇ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 4 ਕਿਲੋ ਕੇ 19 ਕਿਲੋ ਕਿਰਾ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਨੀਲੇ ਮੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਨੇ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ 150 ਕਿ ਕੈਰੇਟ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੜੇ ਹੋ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਰਤੀ ਬਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਓੜੇ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਹੈਲੋ नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी में सुबह सुबह लहसुन की आपूर्ति हुई है और हाथों हाथ यह लहसुन मंडी में आज बिक गया और सुबह सुबह 150 रुपए तक का मैक्सिमम रेट लहसुन का रहा है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार। और यह मंडी में 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इस क्वालिटी का लहसुन बिका, जो हम तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बिका है। मीडियम आकार का 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में लहसुन बिका है। तो लहसुन के भाव उसी तरह के चले हुए जिस तरह के पिछले कुछ दिनों से हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। लहसुन बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में आपूर्ति हुई, अभी ही लहसुन मंडी में पहुँचा और साथ हाथों हाथ ही लहसुन सोलन सब्जी मंडी में बिक गया। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं। मंडी में किसान बड़ी मात्रा में लहसुन लेकर आ रहे हैं। सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों से लहसुन की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज लहसुन सुबह सुबह 150 रुपये तक मैक्सिमम रेट रहा है, हालांकि अभी लहसुन की आपूर्ति और होनी है और फिर बोलियाँ लगनी है। लगातार मंडी में लहसुन की बोलियाँ लग रही, जिस तरह के क्वालिटी उस तरह का रेट है। आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। यह 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में लहसुन बिका है। 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से तो सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपका लहसुन और किसान भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। और किसान भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप आए, नाम बता दें। नैना टिक्कर से सर। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, नैना टिक्कर से जुड़े हैं। जिला सिरमौर लहसुन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो लहसुन के रेट इस वक्त जो चले हुए हैं, पिछले वर्ष की तुलना में कहें तो ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। ठीक है रेट सर, 150 रुपये टॉप जी। हाँ जी। और 105 रुपये मीडियम, 75 रुपये गोलिस। 75 रुपये गोलिस। हाँ जी। 105 रुपये। हाँ जी। 150 रुपये टॉप। हाँ जी। तो सूखा हुआ लहसुन। हाँ जी, बिल्कुल सूखा हुआ जी। तो बाकी नैना टिक्कर में कैसा उत्पादन है लहसुन का इस बार? तो इस बार अच्छा उत्पादन है जी, इस बार तो अच्छा उत्पादन। सोलन सब्जी मंडी में लेकर आ रहे हैं किसान, कहीं और भी जा रहे हैं? कहीं दिल्ली भी जा रहे हैं सर, कहीं अपने अपने हिसाब से जा रहे हैं जी। दिल्ली में तो थोड़ा महंगा होता है। हाँ जी, दिल्ली में तो 200 टॉप जा रहा है जी, 200। हाँ जी। लेकिन किराया वहाँ का ज्यादा, किराया ज्यादा होता है सर, फिर टाइम की बचत हो जाती है थोड़ा। इस टाइम सीजन का टाइम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हाँ, शुरुआत हुई है सर, अब अभी तो माल निकलेगा जी, अब तो माल आना शुरू हुआ मंडी में। इस बार उत्पादन ज्यादा है जी, ज्यादा है। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। और नैना टिक्कर से हमारे साथ किसान जुड़े थे। और नैना टिक्कर जिला सिरमौर का एरिया है और जिला सिरमौर लहसुन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यह लहसुन मंडी में बिका है आज। 150 रुपए बोली, 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और मीडियम आकार का जो आप तस्वीरें देख रहे हैं लहसुन की, यह 105 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लहसुन सोलन सब्जी मंडी में आज ही बिका है। तो सोलन सब्जी मंडी में लहसुन की बड़ी मात्रा में आपूर्ति इस वक्त हो रही है। बड़ी मात्रा में मंडी में लहसुन पहुँच रहा है। जगह जगह पर लहसुन के बोरियाँ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, लहसुन रखा हुआ है। और लहसुन के भाव में अब तेजी है। किसानों की भी माने तो किसान भी मान रहे हैं कि इस बार लहसुन के रेट तेज है। बहुत सारे किसान डायरेक्ट माल दिल्ली भी ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सोलन सब्जी मंडी या प्रदेश के अन्य मंडियों में ही बेच रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट दिल्ली
और लुधियाना की मंडियों में भी माल लेकर जा रहे हैं ताकि उन्हें अच्छा रेट मिले। भारी मंडियों में 200 रुपए तक भी लहसुन की बिक्री हो रही है, लेकिन समय की बचत है, किराए की बचत है, क्योंकि सीजन का टाइम है, किसानों के पास इतना समय भी नहीं है। तो लेकिन सोलन सब्जी मंडी में 150 रुपए तक अभी लहसुन बिका है, लेकिन 160-165 रुपए तक उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी होगी उस तरह के दाम है। हर चीज़ क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। अच्छी क्वालिटी का लहसुन मंडी में अभी 160 रुपए तक भी बिका है। और अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सतीश गर्ग शर्मा जी, कुलदीप ठाकुर जी, नवीन सूद जी हमारे साथ जुड़ गए। आज मटर 60-70 रुपए के बीच में ही मटर का रेट चला हुआ एक जगह पर, अब ऐसा लग रहा है मटर के रेट रुक गए हैं। सोलन सब्जी मंडी के हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में लहसुन की आपूर्ति, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लहसुन मंडी में अभी पहुँचा ही और हाथों हाथ बिक भी गया। यही वजह है कि लहसुन की डिमांड सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त जबरदस्त चली हुई है। और कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त हम आपको तस्वीरें और लहसुन भी दिखाते हैं मंडी में। ये जो लहसुन आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है। लहसुन के पिछले काफ़ी दिनों से 160 रुपए के बीच में ही रेट चला हुआ है, लेकिन अभी सुबह सुबह 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी में लहसुन बिका है। टमाटर किस पर, मटर की भी हम आपको भाव बताएंगे, लेकिन मटर अभी तक 70 रुपए तक सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंडी में आज सब्जियों की बड़ी मात्रा में बिकवाली इस वक्त हो रही है। सेब आम मंडी में पहुँचे, आम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का आम है, 60 रुपए तक मंडी में आम इस वक्त बिक रहा है। और टमाटर मंडी में 300 रुपए से लेकर 450 रुपए तक सोलन सब्जी मंडी में टमाटर मंडी में इस वक्त बिक रहा है। लहसुन की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन सब्जी मंडी की आपको दिखा रहे हैं। टमाटर मंडी में आज बिका है 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक। और लहसुन की बात करें तो लहसुन आज मंडी में गोली के आकार का लहसुन 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका है। मीडियम आकार का लहसुन मंडी में 105 रुपए तक आज बिका है। और जो टॉप क्वालिटी का लहसुन अभी पहुंचा है वो 150 रुपए तक। बोरियाँ भी लगेगी कुछ जगहों पर, बोरियाँ भी लगेगी, लेकिन लहसुन की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में लगातार जारी है। कल 160 रुपए तक का भाव था, आज भी इसी तरह का भाव रहने की संभावना कि मैक्सिमम रेट 160 रुपए तक पहुंच जाए, लेकिन अभी 150 रुपए तक लहसुन मंडी में बिका है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में लहसुन की अब आपूर्ति हो रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप भी देखें। सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में लहसुन की आपूर्ति तस्वीरों के माध्यम से, हर जगह पर लहसुन ही लहसुन, सीजन अपने पूरे चरम पर है। किसानों की माने तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लहसुन का जबरदस्त उत्पादन, चाहे सोलन हो, चाहे जिला सिरमौर हो, या फिर शिमला हो, या फिर बिलासपुर जिला हो, जहाँ पर लहसुन का इस बार बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ है, लगातार लहसुन सोलन सब्जी मंडी में पहुँच रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लहसुन अब जो मंडी में आ रहा है वो सूखा हुआ ही पहुंच रहा है। बीच में किसान कई बार जो लहसुन होता है गीला लहसुन ही मंडियों में भेज देते हैं, तो उसके कारण 120-130 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो बिक रहा है। लेकिन अभी टॉप क्वालिटी का 150 रुपए तक बिका है, लेकिन उम्मीद है कि जब अभी थोड़ी देर में बोलियाँ लगेगी तो हो सकता है कि टॉप क्वालिटी का 160 रुपए तक भी लहसुन बिके, लेकिन फिलहाल अभी 150 रुपए तक। और 80 रुपए से लेकर 80 रुपये गोली के आकार का लहसुन और मीडियम आकार का आज 105-110 रुपए के बीच में सोलन सब्जी मंडी में लहसुन बिका है। और आप तस्वीरें देखें कि मंडी में बड़ी मात्रा में लहसुन की इस वक्त आपूर्ति जारी है। और लहसुन में सोलन सब्जी मंडी होती जा रही है, पहले मटर में थी, अब लहसुन में है, क्योंकि लहसुन ही लहसुन अब सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त नज़र आ रहा है। मुकेश कुमार जी, अभी तो 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बिका है। नैना टिकर से लहसुन आया था और 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लहसुन बिका है, लेकिन कुछ दुकानों में भी लहसुन की खेप अब धीरे धीरे आ रही है। और
हो सकता है कि 160 रुपए तक भी बिके, क्योंकि कल भी इसी तरह का भाव रहा था, 160-165 जिस तरह की बोली लगेगी, लेकिन अभी 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में लहसुन बिका है। तो सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंडी में बड़ी मात्रा में। और ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि कुछ डाउन है रेट मैक्सिमम। मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, खेले राम जी और दीवान चंद जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और कंडाघाट से इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बड़ी मात्रा में लहसुन की आपूर्ति आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लगातार सोलन सब्जी मंडी में लहसुन आ रहा है। अदरक आज 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिका है, लगातार लहसुन की आपूर्ति जारी है सोलन सब्जी मंडी में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोलन सब्जी मंडी की कि लहसुन मंडी में। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हिमाचल प्रदेश का लहसुन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगा, मलेशिया श्रीलंका अरब देशों में लहसुन की आपूर्ति होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि चीन का लहसुन इस बार देशभर की मंडियों में बताया जा रहा है कि पहुंच नहीं रहा है, और क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते से और ईरान से होते हुए हिंदुस्तान की मंडियों में चीन का लहसुन आता था और वो लहसुन विदेशों में भी बिकने के लिए जाता था, लेकिन इस बार भारत हिमाचल प्रदेश के लहसुन की डिमांड बढ़ी है। और जब चाइना से लहसुन की आपूर्ति बंद हुई है तो यहाँ के लहसुन की डिमांड बढ़ी है, और यह लहसुन अब देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात होगा, इस तरह की संभावना भी है और इस तरह के ऑर्डर आने भी शुरू हो चुके हैं। सोलन सब्जी मंडी में भी डिमांड लहसुन की बढ़ी है, यहाँ पर ज़्यादातर तमिलनाडु के खरीदार लहसुन के लिए खरीदने के लिए पहुँचते हैं। आप देख रहे हैं कि जो लहसुन यहाँ पर स्टोर किया गया है, ये थोड़े दिनों बाद जो तमिलनाडु से खरीदार आएंगे वो इसे खरीद कर ले जाएंगे। और मंडी में सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त लहसुन की जो मार्केट है ज़बरदस्त है, बड़ी मात्रा में लहसुन आसपास के क्षेत्रों से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सोलन सब्जी मंडी में लहसुन मटर आज 60 से 70 रुपए के बीच में ही अभी बताएंगे। टीकापुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, गगन शर्मा जी और प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। 60 से 70 रुपए के बीच में मटर का रेट बना हुआ है। सोलन सब्जी मंडी में आप तस्वीरें इस वक्त देखें कि लहसुन की बड़ी मात्रा में आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हुई है और बड़ी मात्रा में लहसुन आ रहा है, और अभी ज़्यादातर जो लहसुन आ रहा है ये सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों का ही है, और साथ रखते सिरमौर जिला से भी अब लहसुन की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह के वक्त जो लहसुन मंडी में आया वो नैना टिकर से पहुँचा था, 150 रुपये मैक्सिमम रेट था, 80 रुपये से रेट की शुरुआत हुई, 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोली के आकार का लहसुन बिका, गोली यानी छोटे आकार का लहसुन 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और मीडियम आकार का लहसुन मंडी में 105 से 110 रुपये के बीच में, भिंडी आज 24 रुपये प्रति किलो, और सोलन सब्जी मंडी में जो टॉप क्वालिटी का लहसुन था वो 150 रुपये तक मंडी में आज बिका है। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंडी की तस्वीरें। टमाटर 300 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में। चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ, ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी में अब लहसुन की बड़ी मात्रा में आपूर्ति हो रही है, सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों का लहसुन मंडी में पहुंच रहा है। सिरमौर जिला से भी अब धीरे धीरे लहसुन सोलन सब्जी मंडी में आना शुरू हो चुका है, हालांकि बीच बीच में किसान डायरेक्ट दिल्ली लुधियाना और पंजाब की अन्य मंडियों को भी भेज रहे हैं। कारण है कि भारी मंडियों में रेट में थोड़ी तेज़ी भी है, और यदि किसी किसान के पास पूरी गाड़ी हो रही है तो वो दिल्ली या अन्य मंडियों में बेचना ज़्यादा बेहतर समझ रहे, क्योंकि वहाँ पर 200 रुपये या 200 रुपये से ऊपर भाव चला हुआ है, लेकिन सोलन सब्जी मंडी में मैक्सिमम रेट 160 रुपये तक रहा है। आज तो अभी फिलहाल 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में लहसुन बिका है, 80 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में, लेकिन यदि टॉप क्वालिटी का लहसुन और आएगा तो शायद रेट में और इजाफा देखने को मिले। लेकिन यदि हम रेट की बात करें पिछले वर्ष की तुलना की, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लहसुन के रेट डबल हैं, किसानों को अच्छा पैसा अभी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है
कि उत्पादन भी इस बार पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है और बीमारियां कम लगी हैं, कई जगहों पर तो बीमारियां भी लगी है, लेकिन फिर भी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार किसानों का जो लहसुन का उत्पादन है वो भी अच्छा है और रेट भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हिमाचल प्रदेश का जो लहसुन है, चाहे सिरमौर है चाहे सोलन है, ये विदेशों में भी निर्यात होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, इससे पूर्व भी इसराइल के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए सिरमौर का लहसुन निर्यात हुआ है। तो इस बार भी इसी तरह की जो डिमांड है उसी तरह की आई है। फ्रासमीन आज 70 रुपये प्रति किलो है। रंजीत तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तम चंद ठाकुर जी, पवन तोमर जी और चंद्रकांत जी, सभी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ बने रहे और हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें ताकि किसानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास खबर पहुंच सके, क्योंकि सोलन से इस वक्त हम आपको जुड़े हैं तो सोलन में ही नहीं बल्कि सिरमौर जिला में, बिलासपुर जिला में, शिमला में, कई क्षेत्रों में लहसुन का बड़ा उत्पादन, बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ है। इसलिए किसानों तक लहसुन की खबर पहुँचे कि किस तरह का लहसुन के रेट सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त चले हुए हैं और अन्य मंडियों में चले हुए हैं। और अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।